हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और गाइस देखिए, सुबह सुबह मैंने तो चाय पी ली है और अब मैं पता है बर्तन धोऊंगी। बहुत सारा काम हो जाता है और फिर भी मेरे पति कहते हैं कुछ काम नहीं करती यार, बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। देखिए अब मैं, देखिए मैंने बना चुकी हूँ यहाँ पे, ये देखिए दलिया बन चुका है और अब बना लिया रोटी। सबसे पहले मैं धोऊंगी बर्तन। देखो बर्तनों का हो रहा है ढेर, सारे बर्तन हैं, बर्तन धोने हैं सबसे पहले। दुनिया भर का काम होता है सुबह सुबह, फिर भी ये लोग बोलते हैं अरे कुछ काम धाम करती नहीं है, कुछ काम धाम करती नहीं है, कुछ काम धाम करती है। तीन बार खाना बनता है तो तीन बार रसोई साफ होती है, फिर भी ये लोग बोलते हैं कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। ढेर हो जाता है बर्तनों का क्योंकि भाई ये तो जब मर्जी गिलास निकाल निकाल के एक जूठा, दूसरा जूठा, तीसरा जूठा। आप तो बहुत खाना बचा। अभी ये बर्तन धोने हैं और अभी मेरे को और भी बहुत सारे काम है यार। देखिए अभी कितना अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है मस्त मस्त। और मेरी बहन तो उत्तराखंड से आ गई, मुझे बुला रही थी, लहसुन वसन ले जा, मेरी कल तबीयत ख़राब हो गई। मेरी अब तबीयत सही नहीं रहती, कहीं जाती हूँ ना मेरे सर में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो मैं बहन के यहाँ और मम्मी के यहाँ जाना बंद करा है, यहीं पर ही हूँ अब। क्या करूँ, मन तो बहुत कर रहा था अपनी बहन के यहाँ जाने का, पर जाऊँ कैसे यार, अपना भी तो घर है। ये देखो फेस में ज़्यादा लग गया मेरा मेकअप। अब इस उम्र में ना मेकअप लगाती हूँ तो अलग ही चमकता है, क्योंकि कोई ग्लो नहीं। जब ग्लो था तो किसी ने कदर नहीं करी, अब ग्लो ख़त्म। अब धक्के मार मार के ज़िंदगी जीनी है, नहीं मन कर रहा जीने को लेकिन फिर भी जीना पड़ेगा, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा ऊपर जाने का, जीना ही पड़ेगा। तो गाइस अब मैं बर्तन धोती हूँ, अभी मैंने थोड़े बर्तन धोए हैं क्योंकि मेरा फ़ोन गीला हो रहा था, इसमें छींटे पड़ रहे थे। बाय, जय श्री राम, राधे राधे।